बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल हैं आप सबके? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हैं। तो जी, यहाँ पे हम लोग जा रहे थे रियाद का एयर शो देखने के लिए, और मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी हैं और बच्चे भी साथ में हैं। तो ये जो एक दिन पहले वाला था, हम लोगों ने सोचा कि यहीं से स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि सेकेंड डे तो फिर उतना मज़ा नहीं आता, फ़र्स्ट डे का जो है ना अटेंड करने का ज़्यादा मज़ा आता है। तो हम लोग यहाँ पे चले गए और वेट कर रहे थे, अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ था। तो हम लोग वैसे पार्क वाली साइड पे नहीं गए थे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था। तो हम लोग ये जो खाली वाली साइड थी ना, जहाँ पे बड़ा मतलब खुला सा मैदान था, तो हम लोग लास्ट ईयर भी जब गए थे तब भी हम लोग यहीं पे बैठे थे, और इस साल भी हम लोग जो है ना यहाँ पे सेम प्लेस पे ही हम लोग बैठे थे। और यहाँ पे बच्चे माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। अयान भी माशाल्लाह से पाकिस्तान से आ गया हुआ था, तो अब दोनों भाई यहाँ पे इकट्ठे हैं और इंजॉय कर रहे हैं खूब सारा। इसके बाद एयर शो जो है वो स्टार्ट हो गया था, तो मैंने इस वाले व्लॉग में ज़्यादा ऐड नहीं करी, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है ना इसका अलग से व्लॉग जो था वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो आप लोग देखना चाहें तो वो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने एक क्लिप ऐड किया, और इसके बाद हम लोग तकरीबन 40 मिनट आई थिंक रहा ये जो एयर शो था, 35-40 मिनट हम लोगों ने देखा, और उसके बाद फिर हम लोग निकल पड़े थे। तो रोड्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इस बार वैसे मुझे ज़्यादा लगा कि बड़े बड़े लोगों ने फ्लैग्स लगाए हुए हैं। लास्ट ईयर भी थे, बट इस साल मुझे ज़्यादा लगा, और म्यूज़िक वगैरह चल रहा था, लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। तो हम लोगों ने भी वैसे काफ़ी इंजॉय किया, वहाँ पे तो किया ही था, लेकिन रास्ते का जो था ना ये हम लोगों ने ज़्यादा इंजॉय किया, क्योंकि बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा फ्लैग्स वगैरह बाहर निकाल के हल्ला गुल्ला कर रहे थे म्यूज़िक लगा के, और साथ में फ्रेंड भी थी। तो खैर, इस बार काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने मज़ा किया। ये एक छोटी सी सेलिब्रेशन जो है वो हमारी वर्क प्लेस के ऊपर हो रही थी, यहाँ पे रैली हुई थी साइकिल्स की, और इस टाइम पे उनकी अनाउंसमेंट हो रही थी, उन लोगों को प्राइस वगैरह मिल रहे थे जो विनर्स थे, तो उनकी यहाँ पे छोटी सी एक सेरेमनी चल रही थी। तो लोग इस टाइम पे, ये नेशनल डे वाला दिन था, तो इस टाइम पे कोई रश वगैरह नहीं था। इवनिंग में यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा लोग थे, गैदरिंग थी, बट इस साल यहाँ पे भी कोई इतनी ज़्यादा ना सेलिब्रेशन हुई नहीं है। लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पे इवेंट्स वगैरह थे, एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इस बार आई डोंट नो कि उन्होंने क्यों नहीं करवाई, यहाँ पे कोई फंक्शन था ही नहीं। इवनिंग में इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे आए थे, शायद उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी लास्ट ईयर यहाँ पे इतना अच्छा अरेंजमेंट था, मिनिस्ट्री ऑफ जो कल्चर है उनकी तरफ से भी यहाँ पे सेलिब्रेशंस थी, बट इस बार ना फायरवर्क हुआ ना ही कोई और इन्होंने एक्टिविटीज़ रखी थी, बस जस्ट लोग आए उसी हिसाब से कि शायद देखने के लिए, बट जब रात में यहाँ पे आके देखा तो कुछ भी नहीं था, लोग जस्ट आए और घूम फिर के यहाँ से वापस चले गए। हम लोगों की ये जो वर्क प्लेस है काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पे आप काम भी करते हैं अपना, और फ्री टाइम हो तो यहाँ पे आप आ जाओ, शाम में घूमो फिरो, नमाज़ वगैरह पढ़ने जाओ तब भी यहाँ से मतलब राउंड आप लगा सकते हैं मस्जिद की तरफ जाते हुए, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे रहता है। लोग काफ़ी, इवनिंग के टाइम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है, नॉर्मल डेज़ में भी होता है, वीकेंड पे काफ़ी बिजी रहता है यहाँ पे, और अब तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट हो गई है, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा मतलब है इंजॉयमेंट यहाँ पे, तो अक्सर लोग यहाँ पे आते हैं। तो जिनको नहीं भी पता, एक बार मैं फिर बता देती हूँ कि ये कौन सी जगह है। ये जी किंग अब्दुल्ला फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है, और ये एग्ज़िट 4 के करीब है, यहाँ रियाद गैलरी के बिल्कुल पास करके है, तो जिसको भी आना हो यहाँ पे आ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई एंट्री टिकट वगैरह कुछ भी नहीं है, फ्री है। और बाकी ज़ाहिर है जो भी आपने खाना पीना है वो तो आप लोग डेफिनेटली अपना ही अरेंज करेंगे। तो उसके बाद बस यहाँ पे हम लोग घर वापस जा रहे थे, अपनी ड्यूटी भी ख़त्म हुई और घर वापस जा रहे थे। रोड्स के ऊपर काफ़ी रश था, हम लोग खैर वापसी जा रहे थे तो इस साइड पे इतना ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन जो दूसरी साइड को जा रहे हैं रियाद गैली की तरफ लोग जा रहे हैं, तो उस साइड पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम हुई हुई थी। हम लोग यहाँ पे जा रहे थे घर वापस, तो वैसे हम लोग भी थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि रश पीछे काफ़ी ज़्यादा था, तो नॉर्मल टाइम से हम लोग आधा घंटा घर लेट पहुँचे, काफ़ी ज़्यादा रश था रोड्स के ऊपर, लेकिन यहाँ पे इतने एरिया में इतना ज़्यादा रश नहीं था। तो आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।